वेलकम टू सुपर फास्ट इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों आपका सबसे ये बड़ा क्वेश्चन मेरे को पूछा जा रहा है कि सर ये बता दीजिए कि जो अभी जेल वार्डन यू नो यूपी पुलिस के अंदर जो आई है वैकेंसी या फिर फायरमैन, उसके अंदर उम्र क्या मांगी है, क्या सिलेबस रहना है, क्या नेगेटिव मार्किंग है फिर नहीं है, कोई भी नई चीज़ जो हमें ना पता हो और वो इम्पोर्टेंट हो हमारे लिए। सर बिल्कुल है, इसमें दो तीन बातें नई नई निकल के आई हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। दोस्तों मेरा नाम है राम सर और आप देख रहे हैं सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी यूट्यूब चैनल। इस चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर आपको यूपी पुलिस की तैयारी तो चल ही रही है, इसके साथ फायरमैन जेल वार्डन उसका भी सिलेबस यहाँ पर कराया जाएगा और रेगुलर क्लासेस चल भी रही हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले मेन चीज़ तो ये है, आपने देखा कि जेल वार्डन महिला और इनको अगर जोड़ दें तो कम से कम ये 3600 पद यहाँ पर बैठ रहे हैं। अच्छी बात है, काफ़ी ठीक ठाक वैकेंसी है क्योंकि जेल वार्डन वगैरह में इतना ही वैकेंसी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, 100+ वैकेंसी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। अच्छा यहाँ पर देखिएगा, एक बार रिपीट करा देता हूँ जो मेन चीज़ें थोड़ा देख लीजिएगा। 8 से 28 दिसंबर तक ये आप पेपर जो इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ देखिएगा, हाँ अब मैं आपको इसमें बताता हूँ कि यहाँ पर एज क्राइटेरिया क्या है। देखिए यहाँ पर सीधी सीधी बात कही गई है कि भर्ती होने के लिए यू नो पुरुष अभ्यर्थी का उम्र 1/7/2018 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ले और 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 1996 से 2000 के बाद का नहीं होना चाहिए। यानी कि जो आपका उम्र दे रखा है वो 18 से 22 साल भी इसमें जनरल कैटेगरी के लिए उनका जो यू नो एज क्राइटेरिया वो दे रखा है। अगर हम महिलाओं की बात करें तो 1/7/2018 को 18 वर्ष से और 25 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, मतलब ये हुआ 18 से 25 यानी 93, यहाँ पर जो क्राइटेरिया दे रखा है 93 से 2000 के बीच में, अगर फीमेल कैंडिडेट का एज क्राइटेरिया है तो वो इसके लिए ज़रूर आवेदन कर सकती हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। देखिए जो मेन चीज़ है वही मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। अच्छा अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और है कि भर्ती प्रक्रिया जो होगी उसके बारे में यहाँ पर डिटेल दे रखा है। अब जो आपने पूछा उसका जवाब भी सुन लीजिएगा। आपने पूछा कि सर लिखित परीक्षा में क्या क्या होने वाला है। देखिए जो भी कैंडिडेट यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो इस पेपर को आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। ज्यादा टफ नहीं होता लेकिन इसका कट ऑफ हाई जाता है क्योंकि पोस्ट की कमी होने के कारण काफी ज्यादा संख्या में इसके लिए आवेदन आते हैं। उसके लिए आपको अपने आप को अच्छी तरह से काबिल और उसके लिए तैयार रखना होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ इसमें उम्र और लिखित परीक्षा में क्या क्या होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है सीधे सीधे कि लिखित परीक्षा, यहाँ पर सीधे सीधे बोला है कि ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन पत्र पूर्ण एवं सही पाए जाएंगे उनसे लिखित परीक्षा में सम्मिलित कर होने की अपेक्षा की जाएगी। लिखित परीक्षा में वास्तुनिष्ठ प्रकार के एक प्रश्न पत्र आपको दिया जाएगा। लिखित परीक्षा 300 अंकों की होगी एवं इसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सांख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्ध एवं तार्किक क्षमता के प्रश्न पूछे जाएंगे। अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में गलत उत्तर देने पर ऋणात्मक अंक भी उसको दे दिया जाएगा, यानी 1/4। बात करते हैं लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम निम्न प्रकार, यहाँ पर जो बताया वही है। इसमें बोला गया कि 300 अंकों का ये आपका पेपर होगा। आपको बता दूं कि अगर आप फायरमैन के लिए भी जब मैं इसे बताऊंगा तो सेम उसमें भी लिखित परीक्षा का भी यही प्रावधान है, इसमें उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। यहाँ पर देखो साफ साफ कह दिया है कि यदि किसी जब यहाँ पर लिखो यदि कोई प्रश्न या उत्तर विकल्प त्रुटिपूर्ण पाया जाता है तो परीक्षा में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों को उसका पूरा अंक प्रदान किया जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ इसका हाइट क्या होना चाहिए। यहाँ पर देखो पुरुष यानी मेल के लिए बोल रखा है 168 होना चाहिए, न्यूनतम ऊंचाई 160। ये क्या है, अनुसूचित जाति के लिए बात की गई। यहाँ पर ये सीना के बारे में बता दिया गया है जो आपका होगा, इसमें ज्यादा बात नहीं करना। फीमेल कैंडिडेट की बात करते तो 152 सेंटीमीटर तक इनका हाइट होना चाहिए। वजन की बात करते तो कम से कम महिला अभ्यर्थी का न्यूनतम 40 kg तो आपके अंदर होना ही चाहिए। बात करते हैं शारीरिक दक्षता, इसमें सेम यूपी पुलिस का ही यहाँ पर सिलेबस है, यूपी पुलिस का ही फिजिकल है, उसी की यहाँ पर तैयारी आपको मिलेगी। यहाँ पर बोला है कि देखिए 4.8 यहाँ पर ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर की रेस होगी, ठीक है, और देखो महिलाओं के लिए यू नो 2.4। बात करते हैं देखो पुरुषों को आपको 25 मिनट का टाइम दिया जाएगा और महिलाओं को 14 मिनट का टाइम यहाँ पर दिया जाएगा। यहाँ पर बोला गया फिजिकल क्वालिफाई होने के बाद आपका देखिए यहाँ पर एक मेरिट लिस्ट तैयार हो जाएगी, उसके बाद जो भी प्रोसेस है वो सब आप जानते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि देखिए आरक्षण और आयु सीमा में छूट कैसे मिलेगी, केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी
तीन वर्षों से वहीं पर रहते हैं अभ्यर्थियों को ही उन्मूलन दिया जाएगा। सीधी बात यहाँ पर कही गई है कि जो विद्यार्थी यूपी के रहने वाले हैं सिर्फ उन्हीं को ही आरक्षण का लाभ दिया जाएगा, बाहर से जितने भी अदर स्टेट के जितने भी विद्यार्थी आते हैं उनको कोई लाभ नहीं दिया जाएगा। एक और बात सुन लीजिए, तो ये आई होप आपको पूरा का पूरा ये जो सिलेबस है, पूरा उम्र का चक्कर है, क्या रिजर्वेशन है, वो सब समझ में आ रहा होगा। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, मतलब बाहर से कोई भी आपको जितना भी रिजर्वेशन मिलता है वो नहीं मिलता है। एक और सबसे बड़ी बात, यदि आप ओबीसी या फिर एससी हैं तो आपकी जितनी पोस्ट है उन्हीं के अंदर आपको आरक्षण दिया जाएगा। एक चीज और जो सबसे बेस्ट चीज मैं आपको बताने वाला हूं वो आप देख लीजिएगा, यहां पर देखो होमगार्ड के बारे में भी बता रखा है, बट अब यहां पर हाँ एक और बात आप याद रखें, जो हम बात करते हैं जाति प्रमाण पत्र, मेन चीज इसमें यह है, अभी आप बनवा लीजिएगा। यहाँ पर लिखा है कि अनुसूचित जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2018 या फिर उसके बाद का होना चाहिए। अब आप समझ गए होंगे, यानी आपका जाति प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2018 के बाद का बना होना चाहिए अगर आप रिजर्वेशन का फायदा लेना चाहते हैं। तो देखिए सेम डिटेल यहाँ पर फायरमैन के लिए भी है, सेम यह जेल वार्डन के लिए भी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें कोई भी अब डाउट संदेह नहीं रहेगा। यदि आप पूछना चाहते हैं, यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट का सहारा ले सकते हैं। इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। इसकी तैयारी बहुत जल्दी स्टार्ट कर दी जाएगी। अभी हमारे चैनल पर यूपी पुलिस का जीके आपको पढ़ाया जा रहा है, इसके साथ ही साथ हिंदी, जीके, कंप्यूटर वो सब मैं आपको पढ़ाता हूं। अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते तो इस वीडियो को लाइक एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।